हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक गर्ल गाइड। आज की हमारी वीडियो है कि हम इंस्टाग्राम की फ़ीड को और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को किस तरह प्लान्स कैजुअल और ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम को और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को प्लान्स कैजुअल और ऑटोमेट करने के लिए हमें एक प्लानर ऐप की ज़रूरत है। उसका नाम है प्रीव्यू ऐप। प्रीव्यू ऐप जो है वो हर जगह प्ले स्टोर पे, एंड्रॉयड पे मौजूद है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्रीव्यू ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपने अकाउंट को। उस फिर हमारे पास ये तीन तरह के पैकेजेस हैं, फ्री, प्रो और प्रीमियम। इसमें से हम फ्री अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। फ्री को लॉग इन करके हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू इसको लॉगिन करेंगे। ईमेल अकाउंट देकर हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे अकाउंट में जितनी भी पोस्ट ऑलरेडी अपलोडेड थी वो हमारे पास आ जाएंगी। ये तमाम जो हैं वो अपलोडेड इमेजेस हैं हमारे अकाउंट में। अगर हम न्यू फोटो या फिर वीडियो को ऐड करना चाहते हैं तो राइट कॉर्नर पे जो हमारे पास प्लस का साइन है उस पर क्लिक कर फोटोज और वीडियोस को सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने अपनी गैलरी से एक वीडियो सिलेक्ट की है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी तो हमारे पास नीचे तीन ऑप्शंस आते हैं। नीचे जो हमारे पास कमेंट का एक आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैप्शन की ऑप्शंस की हैशटैग्स की ऑप्शन आ जाएंगी। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें हैशटैग्स जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हम ऑलरेडी गिवन हैशटैग्स में से हैशटैग सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल ये एक ट्रैवल फोटेज थी तो मैंने इसके लिए ट्रैवल पे जाकर क्लिक किया और मेरे पास तमाम ट्रैवल से रिलेटेड हैशटैग्स आ गए हैं। मैं इनमें से अपनी मर्जी के हैशटैग सेलेक्ट कर सकती हूँ या फिर इन सबको ऐड कर सकती हूँ ऐड ऑल करके। सपोज़ मैंने ये सारे ऐड किए हैं। ये नीचे राइट साइड पे रेड कलर में हमारे पास हैशटैग्स के काउंट दे रहा है। इसके लिए हम कुछ हैशटैग्स को रिमूव कर देंगे ताकि ये हमारे काउंट में ज़ीरो आ जाए। उसके बाद हम डन करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हैशटैग के हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने हैशटैग्स प्रीवियसली यूज़ किए हैं मैं इनको सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँगी। उसके बाद ग्रुप्स के नीचे ये जो हमारे पास प्लस का साइन है इस पर क्लिक करके मैं नया ग्रुप बनाऊँगी। मैंने सारे हैशटैग्स पेस्ट कर दिए और मैं इनका एक नाम रखूँगी। मैंने हैशटैग ग्रुप का नेम रखा है ट्रैवल। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास स्केड्यूलिंग का, और हैशटैग्स के बाद हम लोग अपने पोस्ट की या वीडियो की स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे हम इसको सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने 2 फेब 4:18 PM इसका टाइम रखा है। अपने तमाम पोस्ट जो कि हमने वीकली, मंथली या डे वाइज ऑलरेडी स्केड्यूल किए हुए हैं उनको हम कैलेंडर में ऊपर जो ऑप्शन है उस पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास तमाम स्केड्यूल पोस्ट या वीडियोज़ आ जाएंगी। सो नेक्स्ट फीचर है कि हम किस तरह से अपने स्केड्यूल पोस्ट को इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी वीडियो को क्लिक करके या पोस्ट को क्लिक करके हमारे पास जो बॉटम राइट पे पोस्ट का आइकन है हम इस पर क्लिक करेंगे और कैप्शन कॉपीड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हमारे पास ऐप्स की ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से हम इंस्टाग्राम की फ़ीड को सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ ये हमारी वीडियो थी जिसको हमने पोस्ट करना है। उसके बाद इंस्टा पे जाकर हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, इस पर फिल्टर्स लगा सकते हैं। जो भी एडिटिंग आपने करनी है आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं मज़ीद। सो आगे जब हम कैप्शन पे जाएंगे तो हमारा कैप्शन ऑलरेडी कॉपीड हो चुका था। यहाँ पे हम जाके सिर्फ उसको लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास तमाम कीवर्ड्स और तमाम कैप्शन जो हम ऑलरेडी उधर प्लानर में बना चुके थे वो पेस्ट हो जाएगा इधर। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं कैप्शन को मज़ीद, और फिर इसको हम पोस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट फीचर हमारे पास प्रीव्यू ऐप का है एनालिटिक्स। हम इसमें इंस्टाग्राम के अपने पेज के एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सी फ़ोटो और कौन सी वीडियो के ऊपर हमारे पास कितने लाइक्स हैं और कितने एवरेज लाइक्स, पोस्ट और कमेंट्स हमारे हर पोस्ट पे हैं। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास कुछ अनलॉक फीचर हैं जो कि पेड वर्जन में अवेलेबल होंगे, जिसमें हम चेक कर सकते हैं बेस्ट टाइम कौन से, हमारे पास टॉप हैशटैग्स वगैरह कौन से। लास्ट बट नॉट लीस्ट फीचर हमारे पास है फिल्टर्स एंड पिक्स एडिटिंग। किसी भी पिक को सेलेक्ट करके हमारे पास नीचे एक फ़िल्टर का आइकन है, हम उस पर क्लिक करेंगे। हम किसी भी किस्म का नीचे फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पिक्चर के लिए। काफ़ी सारे फ़िल्टर्स मौजूद हैं। हम इसकी इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं और मज़ीद फ़िल्टर्स भी इधर मौजूद हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली पेड वर्जन में अवेलेबल होंगे। इस तरह हम इस फ़ोटो को भी उसी प्रोसीजर के थ्रू हम अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं स्केड्यूल करके। फ़िल्टर्स के अलावा हमारे पास बेसिक एडिटिंग का फीचर भी अवेलेबल है।
इसमें हम किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं और मज़ीद प्री एडिटिंग के टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी इमेज को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फोर्स इस पिक को मैंने अपने अकॉर्डिंग क्रॉप किया और इसको भी मैं उसी तरह से पोस्ट कर दूँगी। इसके अलावा आप एक अकाउंट नहीं बल्कि 3 या 4 अकाउंट, जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं, आप उनको इधर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेड वर्जन रिक्वायर होगा। सो प्रीव्यू ऐप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है वो लोग जो इंस्टाग्राम की पोस्ट को ऑटोमेट करना चाहते हैं या स्केड्यूल करना चाहते हैं बेसिस के ऊपर। सो प्रीव्यू ऐप इज़ बेस्ट इंस्टाग्राम प्लानिंग ऐप जो कि आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए नीचे कॉमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।